हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ शिवम शुक्ला। आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर जो सेल है उसको हम स्टडी करेंगे। तो हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कुछ पार्ट्स का, वो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। जनरली जो इसका प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है स्मॉल सेल्स होती हैं, 1 to 10 माइक्रोन की होती हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लार्ज होती हैं, जो कि 5 से 500 यानी 5 to 500 माइक्रोन की होती हैं। इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इसमें न्यूक्लियस रीजन जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। तीसरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है, सिंगल वे में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स मल्टीपल होता है या मोर देन वन होता है। ओके, सो प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये सबसे पुरानी सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स जो ऑर्गन सेल अब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन सेल प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स मेनली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड यूकैरियोटिक सेल्स फंगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो हम लोग को मोस्टली ध्यान रखना है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं मेनली बैक्टीरिया यानी कि किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट होती हैं। बाकी यूकैरियोटिक सेल्स मोनेरा किंगडम को छोड़ करके जो भी आपके 4 किंगडम बचे हैं उनमें प्रेजेंट रहती हैं। ओके, सो हम लोग अब पढ़ेंगे सेल ऑर्गन सेल के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में। तो एवरी सेल हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी जो भी सेल्स होती हैं उनमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। उसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी जो भी सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, फिल होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मैटर भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले बताया था पुरकिंजे ने, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, गॉल्जी अपरेटस क्या होता है, लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, प्लास्टिड आप में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो होते हैं, वैक्यूल्स जिसमें फूड स्टोर करते हैं प्लांट्स अपना मिडनाइट के लिए फूड बनाने के लिए, वैक्यूल में अपना फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। हम लोग अपना फूड मटेरियल प्लांट्स, एनिमल सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और प्लांट जो होते हैं स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो हम लोग इसमें सेल ऑर्गन सेल में आगे हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ER बोलते हैं, ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो होता है राइबोसोम्स के ऊपर अटैच्ड सरफेस पे अटैच्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर द स्लाइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस के स्लाइड बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इट इज़ लुक स्मूथ बिकॉज राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड टू इट्स सरफेस। इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके सरफेस पे अटैच नहीं होते हैं। दे आर द साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस, ये फैट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करते हैं। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें राइबोसोम्स के ऊपर सरफेस पर ये अटैच रहते हैं, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, ये राइबोसोम्स के ऊपर अटैच, उसकी सरफेस पर अटैच नहीं रहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो इस टॉपिक्स में मैंने आपको क्लियर किया है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड प्रीवियस वीडियो भी आप जाकर देखेंगे तभी आपको वीडियो क्लियर होगा। और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो, क्रिएट हो, वो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे या फिर आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। ओके,
सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या होता है, ये हेल्प करता है फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होनी होती हैं उनको क्लेरिफाई करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सेकेंड इज डेटाफिक्स मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल, यानी जो भी पॉइजन एंड ड्रग्स को मेंटेन करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड इज एंडोप्लाज्मिक सर्व एज कैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, यानी कि जो भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों के बीच में जो ट्रांसपोरेशन का काम करता है, ट्रांसपोरेशन मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसपोरेशन करता है वो भी कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन हेल्प मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी प्रोटीन और फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन को बायोजेनेसिस करने में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेक विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है ये सेल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम का वर्क करता है, एंजाइम्स आर मेड बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये जो एंजाइम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर बनता है। टू डाइजेस्ट द वार्म आउट सेल्स ऑर्गेन सेल्स व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देन ऑन सेल्स, यानी कि जो भी सेल्स डैमेज हो जाती हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में, जो भी सेल्स डैमेज हो जाती हैं लाइसोसोम उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड सेल्स भी कहा जाता है या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि सुसाइड सेल्स कौन सी होती हैं, तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग या सुसाइड सेल्स भी कहा जाता है। ये जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का उनको भी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं लाइसोसोम। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दिस फोल्ड क्रिएटेड लार्ज सरफेस आर फॉर एटीपी, ये एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जो होती है इसको लार्ज कंटेन करने के लिए माइटोकांड्रिया यूज होती है। माइटोकांड्रिया सिंथेसिस एटीपी इन एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, यानी माइटोकांड्रिया जो होती है वो एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी को करेंसी ऑफ सेल के रूप में चेंज करती है। माइटोकांड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी को कंटेन करती है माइटोकांड्रिया सेल के अंदर, इसीलिए इसे को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकांड्रिया हैव देयर ऑन डीएनए राइबोसोम, देयर फॉर दे कैन मेक देन अवन प्रोटीन, यानी कि ये क्या करती हैं प्रोटीन को बनाती हैं और डीएनए को भी सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। माइटोकांड्रिया जो ये सेल के अंदर उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करते हैं, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसको जनरेट करवाते हैं। ओके सो हम लोगों ने आज सेल चैप्टर पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने माइटोकांड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, सेल ऑर्गन्स यानी कि लाइसोसोम, राइबोसोम, गॉल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, इन चीज़ों को हमने आज डिटेल में पढ़ा है। और जो भी क्वेरीज हों स्टूडेंट्स की वो कमेंट सेक्शन में या फिर कॉल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आपको मेंशन किया गया है। और जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप एक बार ज़रूर देखें, इसके नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके थैंक यू क्लास।